दोस्तों आदित्य ठाकरे को आज जाना होगा जेल, सुशांत केस में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, आपको बता दें आदित्य ठाकरे जो कि दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस से इनको जोड़कर देखा जाता है, जिस वक्त दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं, उसी वक्त सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे का नाम आ जाता है। आदित्य ठाकरे को लेकर यह भी दावा किया जाता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आदित्य ठाकरे का ही हाथ है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आदित्य ठाकरे क्या उस रात सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंचे थे, जिस रात सुशांत के घर पर पार्टी चलने का दावा किया जा रहा था, जिस पार्टी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरे कांड को अंजाम दिया गया। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सुशांत अचानक से ही दुनिया को छोड़कर जाते हैं और उसके बाद आदित्य ठाकरे का नाम इस केस से जोड़कर देखा जा रहा था, उसे साफ जाहिर हो रहा था कि जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदित्य ठाकरे का नाम ना सिर्फ इस केस में बहुत बुरी तरह से घसीटा गया था, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि जो आदित्य ठाकरे हैं ना, उनका सुशांत सिंह राजपूत के जो मुजरिम थे, हो सकता है कि वो उनको जानते भी हों। हालांकि दोस्तों हम इसकी किसी भी तरह से पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि सुशांत के साथ जो कुछ भी हुआ उसने महाराष्ट्र के बड़े नेताओं का नाम आना कहीं ना कहीं चौंका देने वाला था। आज इस केस को 4 साल होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हैरानी की बात यह है कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ आज भी नहीं मिल पाया है। आज भी जो हमारे सुशांत के फैंस हैं वो सिर्फ सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुशांत को इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।